कन्हैया मेहरा आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के समर्थन में निकाली रैली। रैली करने वाले लोगों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, जिसमें कई लोग घायल। स्वाति मालीवाल पिछले 10 दिनों से महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के लिए अनशन पर बैठी हैं, पर सरकार का कोई भी मंत्री उनकी सुध तक लेने नहीं आया। किसी को महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं है, सभी सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं। देखिए इस वीडियो में। ओके, जैसे आंदोलन जो है आज के समय से नहीं है, गांधी के समय से ये चल रहा है। आज आपको सोचना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का पर्पस हमारा क्या है, कि 10 दिन से स्वाति मालीवाल जी जो है प्रोटेस्ट में हैं, कुछ भी खाए पिए बगैर वहाँ पर रह रही हैं। ये जो पार्लियामेंट में हमने जो वोट दे के जिनको बिठाया है MP MLA, इनके कान में तो जू ही नहीं रेंग रहा है। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो किस लिए? वो धमकी है हम लोगों को? मतलब हम खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर महिला पुलिस भी थी, उनके बजाय जेंट्स जो पुलिस है वो आके जो है अटैक कर रहे हैं। इतने लोगों को यहाँ पर चोट भी लगी है, ये क्या तरीका? मतलब ये देश जा कहाँ रहा है? ये प्रोटेस्ट करना तो शुरू से है, हम लोग शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें भी इनको तकलीफ है। दिल्ली पुलिस, मतलब इतना जो वकीलों से दिल्ली पुलिस को मार पड़ी है ना, आज की डेट में बिल्कुल सही किया इन्होंने। दिल्ली पुलिस की अपनी जो औकात है वो आज इन्होंने दिखाई, वो हमेशा दिखाई है। महिलाओं के ऊपर उन्होंने मारा है, पीटा है, घसीटा है, बुरी तरीके से किया है। लेकिन आज आप देखिए कि ये जो BJP सत्ता में बैठी हुई है, इनके कोई भी MP, कोई भी MLA, उसमें महिला भी है, चाहे स्मृति ईरानी हो चाहे कोई भी हो, आज तक इनका कोई सिंगल पर्सन ट्वीट नहीं आया, कोई भी बात नहीं की, कोई भी न्यूज़ चैनल में आके मतलब अपना जो है एक सपोर्ट दिखाए, कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि इनको कोई फिक्र ही नहीं है? जो ये जो नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो वेस्ट है, ये तो एक्चुअली इनकी धमकी लग रही है हमें। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें तो हम कैसे करें प्रोटेक्ट? सारी चीज़ें तो इनके पास है। तो प्रोटेस्ट करना जो है हमने शांति से किया था, लेकिन इनके जो बिहेव है उन्होंने आज हमें किया, और हमारे 2 साथियों को विदाउट एनी रीज़न उन्होंने गिरफ्तार किया है। नहीं चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि हमें अपने अधिकारों के लिए ऐसे अनशन पे बैठना पड़ता है, ऐसे अपना अधिकार मांगना पड़ता है। बताइए, कहने का मतलब है कि सरकार गूंगी और बहरी है। बिल्कुल गूंगी, उससे भी ज़्यादा गूंगी बहरे, फिर भी सुन लेते, देख तो लेते हैं, कहीं तो उनको एहसास हो जाता है, एहसास तो होता है उनको कि भाई ये बेटियां हैं, ये बहुएं हैं, ये घर की औरतें हैं, इनको क्या सड़क पर चलना है? अब तो सड़क के नाम से भी लड़कियां कांपने लगती हैं कि सड़क पर चलना ही नहीं चाहती हैं अब तो। तो क्या सरकार को नज़र नहीं आता? एक गरीब आदमी को आप पूछ लीजिए, छोटी सी जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो, वो भी बता देगा कि आजकल क्या हो रहा है। लड़कियों को बाहर नहीं निकालना देना चाहता है, घर के अंदर रखना चाहते हैं। हम करें तो करें, जाएँ कहाँ? सड़क पर निकलती हैं लड़कियाँ, सेफ नहीं है, सड़कों पर सेफ नहीं है, और आप देख लीजिए संसद में बलात्कारी हैं, तो और क्या होगा इस देश का? मैं जिले से अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। यहाँ बात हो रही थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला तो नहीं आया, या है या नहीं है वो सामने आए, तो मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं ये गर्व के साथ कहती हूँ, ठीक है। मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है कि मैं आम आदमी पार्टी की सिपाही हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, और मैं इस चीज़ को खुले में सबके सामने कह रही हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और मैं इनके समर्थन में आई हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी बेटी है मेरी, और मैंने खुद जो 16 बेटियाँ अडॉप्ट की हुई हैं, मैं उनके लिए क्या करूँ? मैं अपने घर की बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। आज क्या है, ये क्या डिमांड हो रही है? स्वाति मालीवाल जी क्यों बैठी हैं भूख हड़ताल पर? अभी हाल ही में तो बैठी थी, सभी को पता है। तो बार बार ये भूख हड़ताल और ये सब क्यों करना पड़ रहा है किसी को? सिर्फ एक बच्चियों की सुरक्षा ही तो मांगी जा रही है। क्या इस देश में जितने पुरुष हैं उस महिला का रिश्ता उस पुरुष के साथ नहीं है क्या? हर पुरुष के साथ एक महिला का रिश्ता जुड़ा हुआ है, कहीं भाई के, बहन के, भतीजी के, बाप के, नाना दादा, इस तरह से हर तरह से रिश्ता जुड़ा हुआ है। कैसा कानून चाहते हैं जी? कानून आप देखो, ये मांग करते 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 इसी कानून की मांग करते करते, सख्त कानून हो, बेटियों की रक्षा की जाए, हर तरह के कानून की मांग करते करते पता नहीं कितनी ही बच्चियाँ बलि चढ़ गई हैं, और इस तरीके से इतनी दरिंदगी के साथ वो गई हैं कि उसका बखान हम यहाँ करें तो शायद हम एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पाएंगे, है कि नहीं? तो हम बहुत सख्त कानून चाहिए मांग है। मैं खुले में ये दावा करती हूँ, अगर आज ये कानून कोई इस तरह के पास नहीं होते तो हम महिलाओं ने वो कहावत है ना, उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे, तो यहाँ वो बात सच हो जाएगी, और उसे सच करने वालों में से पहला नंबर ही मेरा होगा, पहला नंबर ही मेरा होगा कि उठो द्रौपदी नहीं, अब तो उठो महिलाओं शस्त्र उठाओ, अब कोई गोविंद और कोई पुरुष नहीं आएगा हम लोगों की रक्षा के लिए। तो बिल्कुल कोई पुलिस नहीं आएगी ना, कोई रक्षा के लिए कोई, देखो ना हमें अपनी रक्षा के लिए
मांग करनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, भारत की बेटियों को अपनी रक्षा के लिए भारत में ही अपनी सुरक्षा की भीख मांगनी पड़ रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, डूब मरना चाहिए। मैं यही कहूंगी ऐसे संसद में लोगों की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। संसद में महिलाओं को नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करके हम स्वाति जी के साथ हैं। हम उनकी समस्या जो हमारी बेटियों की समस्या है वही लेके हम जा रहे थे संसद भवन तक, लेकिन हम लोगों को पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। हमारे भाई जो हमारे साथ थे उन पर अत्याचार करा, और हमारी जो बेटियाँ साथ थी उन पर अत्याचार करा पुलिस वालों ने। बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। हम लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया है। हम तो खाली अपनी मांगे रखने के लिए शांतिपूर्वक जा रहे थे। जो रेप के जो गुनाहगार है हम चाहते हैं 6 महीने के अंदर के सजा दो, लेकिन 6 महीने में भी जो उनके विरुद्ध जो उनके उनके विरुद्ध जो भी सबूत होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। हम चाहते हैं 6 महीने से पहले ही सजा हो जाए, ताकि जो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, जो बड़े घरों के बच्चे आते हैं रेप करते हैं, उनके सबूत मिटा दिए जाते हैं, पैसे भर दिए जाते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम चाहते हैं 6 महीने से भी पहले उन लोगों को सजा मिले, जो असली गुनाहगार हैं उनको सजा मिले, बेगुनाहों को हम सजा नहीं चाहते हैं। 2-3 लड़के आए थे, उन्होंने इनसे बहुत बुरी तरह से मारा है, बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया है और उनको बैरियर के उस तरफ उठा के फेंका गया है। अगर मीडिया हमारी थोड़ी सी भी हेल्प करके अगर उन्हें वहाँ से बाहर निकलवा दे, तो लेडीज़ को भी मारा है, मेरी खुद उंगली टूटते टूटते बची है। मुझे बहुत बुरी तरह से दिल्ली पुलिस ने उधर से उठा के इधर फेंका था, ठीक है। और कोई मांगे नहीं थी, कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है, या कोई इतना आंदोलन इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं था कि पुलिस वालों को या संसद में इससे कोई खतरा हो सकता था, लेकिन फिर भी किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और ये दिल्ली पुलिस का मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है, अब तक का सबसे अग्रेसिव रूप मैंने देखा है, जो कि बहुत ही शेमफुल था, इवन महिला पुलिस का। बताना चाहूँगा आपसे कि महात्मा गांधी जी का ये आंदोलन जो कि पूरे विदेशों में चर्चित है, और उसको 1995 में मैंने देवरिया की धरती से उतारा था ऑनर अनशन, और आज बड़ी दुख की बात है कि माँ बहनों को मारा गया, हमें मारा गया, और तो और इन दिल्ली पुलिस वालों ने ऐसी एक जुल्म की कि इतिहास गंदा हो गया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और मैं अब क्या कहूँ, खून की आंसू पी रहा हूँ। मुझे जो है वर्ल्ड टीवी और नेशनल टीवी पाया हूँ, लेकिन एक शायर अपना सुनाता जा रहा हूँ, आप लोग भी अच्छा लगे तो बोलना। हमें आधियों से डराते हो आप, हम तूफानों से टक्कर लेने की। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।